आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि कैसे आप घर में ही केमिकल पीलिंग कर सकते हैं अपने फेस में, वो भी बहुत ही आसानी से। इसके यूज़ से आपके फेस में ग्लो तो आएगा ही आएगा, साथ ही साथ आपकी स्किन में हुए प्रॉब्लम जैसे डलनेस, टैनिंग, पिगमेंटेशन, मार्क स्पॉट्स, ब्राउन स्पॉट, डार्क स्पॉट्स, हाइपर पिगमेंटेशन, जितनी भी स्किन की प्रॉब्लम ही उसे जड़ से ख़त्म कर देगा। लेकिन इसमें एसिड होने की वजह से आपने इसका यूज़ सही तरीके से नहीं किया तो ये फ़ायदे से ज़्यादा आपको नुकसान पहुंचा सकता है। इस वजह से जानना आपको बहुत ही ज़रूरी है कि इसको सही तरीके से यूज़ कैसे करना है। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ब्यूटी विद नाज। ये है फास्ट डर्मा का ग्लो पील। ये फास्ट डर्मा इसका ब्रांड नेम है। सबसे पहले मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ कि इसमें जो इंग्रेडिएंट है वो बहुत ही बेनिफिशियल हमारी स्किन के लिए। इसमें है 10% आर्जिनिन। आर्जिनिन है वो एक एंटी एजिंग मिराकल है हमारे फेस के लिए। ये आपकी स्किन में जैसे प्रोटीन होते हैं जैसे एलास्टीन, क्रिएटिन, कोलेजिन, उसको बढ़ाता है यानी कि इन्हेंस करता है। इससे आपकी स्किन ग्लोइंग लगती है और बहुत ही चमक आ जाती है। सेकेंड है इसमें 10% लैक्टिक एसिड। 10% लैक्टिक एसिड यानी कि अगर आपकी स्किन में हाइपर पिगमेंटेशन, स्पॉट्स या डार्क स्पॉट्स, ब्राउन स्पॉट, स्पेशली ये डार्क पैचेस के ऊपर ये काम करता है जैसे कि मेलाज्मा, फ्रैकल्स जैसी स्किन प्रॉब्लम की वो जड़ से ख़त्म कर देता है। अगर आपकी स्किन अनइवन है तो उसे इवन करता है। फिर इसमें मिला है 10% एस्कॉर्बिल ग्लूकोसाइड। इससे आपकी स्किन में चमक आती है, स्किन हेल्दी और ग्लोइंग हो जाती है। और लास्ट है इसमें 2% अल्फ़ा आर्बुटिन। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि 2% ही क्यों, क्योंकि 2% ही इनफ है हमारी स्किन के लिए। और ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग है अल्फ़ा आर्बुटिन। ये एक स्किन वाइटनिंग एजेंट है, ये नेचुरल और सेफ है। ये स्किन मेलानिन के प्रोडक्शन को रिमूव करता है, स्किन में हुए पिगमेंटेशन, डलनेस, डार्क स्पॉट, ब्राउन स्पॉट्स, एक्ने, पिंपल्स के मास को ये रिड्यूस करता है, स्किन का टेक्सचर को ये इंप्रूव करता है। ये ब्राइटनिंग एजेंट का भी काम करता है, आपकी स्किन को यूथफुल बनाता है, टैनिंग को ये रिमूव करता है। ये पिल ग्लो बहुत ही अमेजिंग है गाइज, इसे आप ज़रूर एक बार ट्राई करें। ये आपकी स्किन की सारी प्रॉब्लम को ये हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म कर देगा। अब मैं आपको बताती हूँ कि इसे यूज़ कैसे करना है। इसको यूज़ करना बहुत ही आसान है। आप सबसे पहले अपने फेस को अच्छे से वॉश कर लीजिए, उसके बाद अपने फेस को आप ड्राई कर लीजिए। फेस का ड्राई होना बहुत ही ज़रूरी है। उसके बाद आप एक क्लीन बोल ले, उसमें आप 1/2 ml आप ग्लो पील ले, यानी कि 10 से 12 ड्रॉप आप एक बोल में ग्लो पील ले। अगर आपके पास ब्रश है तो आप इसे ब्रश से इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पास ब्रश नहीं है तो आप फिंगर टिप्स की हेल्प से अप्लाई कर सकते हैं अपने फेस में। आप फिंगर की हेल्प से अप्लाई करें। और इसकी ख़ास बात यह है कि आप इसे डार्क सर्कल में भी यूज़ कर सकते हैं। ये डार्क सर्कल को रिड्यूस करता है, लाइट करता है। अप्लाई करने के बाद आपको वेट करना है 15 to 20 minutes। अगर अप्लाई करने के बाद आपको इचिंग, जलन, खुजली होती है तो आप इसे तुरंत वॉश कर दें। वॉश करने के बाद आप एलोवेरा जेल लगा लें। अगर आपको इचिंग नहीं होती है, ये नॉर्मल है, तो आप इसे 15 to 20 minutes रहने दें। वैसे भी ये इचिंग और जलन, खुजली बिल्कुल भी नहीं होती है, बहुत कम लोगों की होती है। जिसकी स्किन सेंसिटिव हो, बहुत कुछ यूज़ करने से प्रॉब्लम होने लगती है, उसे होती है। नॉर्मल स्किन वालों को ये प्रॉब्लम नहीं होती है। उसके बाद आप इसे 15 से 20 मिनट तक रहने दें, सूखने दें। सूखने के बाद आप इसे एक बोल में ठंडा पानी ले, एक आप कॉटन पैड ले, कॉटन पैड को ठंडे पानी में डिप करें और अपने स्किन से इसे अच्छे से रिमूव करें डैब डैब करके। तुरंत ही आप देखोगे कि इसका रिज़ल्ट कितना अच्छा आया है। जैसे आप इसे रिमूव करेंगे, आप देखोगे आपकी स्किन चमकने लगी है, आपकी स्किन ग्लो करने लगेगा। आपके फेस में ऐसा लगेगा कि आप किसी पार्लर से फेशियल करवा के आए, वो भी बहुत महंगा वाला। इसका रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा होता है। इसे आप हफ्ते में 2 बार यूज़ कर सकते हैं। आपकी स्किन की सारी प्रॉब्लम जो है वो धीरे धीरे करके ख़त्म हो जाएंगी।
आप इसे पार्टी फंक्शन में जाने से पहले भी कर सकते हैं, या आप अपने स्किन को हेल्दी और ग्लोइंग बनाए रखना चाहते हैं तो आप इसे हफ्ते में दो बार ज़रूर यूज़ करें। इसका रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा आता है। पहले ही बार आप देखोगे कि आपका फेस में कैसे इंस्टेंट ग्लो आ गया है। आप अगर फेशियल करवाने जाओगे तो वहाँ पर कम से कम आपको 1000-2000 तो आपको ज़रूर लगेंगे, लेकिन अगर आप ये एक बार ख़रीद लेते हैं तो आपको कम से कम 50-60 बार आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, सिर्फ एक बॉटल का ही। तो ये बजट भी है और सेफ टू यूज़ है, आप घर में भी इसे सेफली यूज़ कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अगर आपको मुझसे कुछ पूछना है तो आप मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बता सकते हैं। और एक चीज़ गाइस, कि आप इसे जब यूज़ करें तो 24 घंटे तक आप अपने फेस को वॉश बिल्कुल ना करें, यानी कि आप कोई फेस वॉश साबुन बिल्कुल यूज़ ना करें, और आप जब भी बाहर जाए तो सनस्क्रीन अच्छे से अप्लाई करके जाए। अगर आपको मुझसे कुछ पर्सनली बात करनी है हेयर से रिलेटेड, स्किन से रिलेटेड, तो आप मुझे डायरेक्ट डीएम भी कर सकते हैं। मैं इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी और मैं फास्ट डर्मा ग्लो पील का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कॉमेंट्स करना बिल्कुल ना भूलें, और ऐसे ही अमेजिंग वीडियो देखने के मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।